फलोदी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारों की कमी नहीं है। दोनों ही पार्टियों में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपने बलबूते पे इस बार चुनाव लड़ेगी और लोगों के पास, जनता के पास जाएगी। तो वही निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी इस बार अपना दमखम दिखाने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ खड़े हैं आज फलोदी के बॉम्बे मार्केट में, जहाँ पर यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस बार आप मतदान किसके पक्ष में करने जा रहे हो या आपका खास मुद्दा क्या रहेगा, क्या मांग रहेगी और कैसा विधायक चाहते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से, उनसे पूछेंगे कि आप कैसा विधायक चाहते हैं और किसको मतदान करेंगे। बताएं जरा, आप कैसा विधायक चाहते हैं? जो विकास करें। और किस तरह का विधायक होना चाहिए? अच्छा आदमी होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा आदमी चाहिए, क्योंकि लोगों को शांति और सद्भावना की बात चाहिए। इसलिए क्या है कि लोग ये चाहते हैं कि भाई ऐसा विधायक हो जो विकास करे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि युवाओं की पहली पसंद क्या है, युवा क्या चाहते हैं, किस तरह का वो जो अपना प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी हो, किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं आप? प्रत्याशी जो विकास करे और अपने क्या कि अपने यहीं का हो, बाहर का कोई नहीं हो, जिससे विकास भी होगा और वो कुछ समस्या को समझेगा भी, जो यहाँ का होगा ना लोकल। बाकी बाहर के लोग होंगे तो कुछ समझ में नहीं, वो अपना कुछ काम करने में लग जाएंगे। पिछली बार जो विधायक रहे, हाँ, उनका किस तरह से विकास कार्य किया? विकास का तो देखो कुछ काम नहीं है, विकास का तो विकास जो बोलेगा वो करेगा तो उसको वोट मिलेगा, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, और क्या है, यही बात है। युवाओं की ये जो पहली पसंद है वो ये है कि स्थानीय होना चाहिए, जैसा कि पार्टियों में भी, दोनों ही पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। पिछली बार जो इनके कांग्रेस के सह प्रभारी आए तभी बात उठी, चाहे भाजपा के प्रभारी आए तभी बात उठी कि स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय के मुद्दे पर। हमारे साथ है निर्दलीय, जो अपनी ताल ठोकने वाले हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार फिर चुनाव मैदान में रहेंगे, भूपत सिंह अवाय। वो अपने क्या कुछ विचारधारा लेकर, क्या कुछ मुद्दे लेकर लोगों के पास जाएंगे और किस तरह से वो अपने मतदान के लोगों को प्रभावित करेंगे अपने पक्ष में मतदान करने के लिए, हम बात करते हैं। आपको फलोदी की जनता, फलोदी विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको मतदान क्यों करे, आपको वोट क्यों दे? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस लायक समझा, मुझे इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पहली बात तो ये है, कांग्रेस और बीजेपी से यहाँ के लोग इतने प्रताड़ित हैं, यहाँ का कोई विकास भी नहीं है। लोग कहते हैं फलाना काम किया, वो किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने रोटे सेके। स्थानीय यहाँ का विधायक होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन आज 20 साल से मैं भी यहीं हूँ। चाहे कोई किसी विधायक का नाम नहीं लेता, बाहर के विधायक आज 35 साल से कंटिन्यू वो बने हैं, और कुछ ब्राह्मण लोग भी बने हैं, कोई SC ST बने, कोई राजपूत बने, लेकिन फलोदी का आज रुख देखा जाए तो कुछ नहीं है, 0% है। ना तो यहाँ कोई विकास के अंदर कॉलेज, ना यहाँ कोई चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया, ना कोई बिजली घर की व्यवस्था बढ़िया, ना कोई एजुकेशन से लेके कोई डिपार्टमेंट उठाओ, जहाँ तक सारे फेल है। भाजपा कांग्रेस सत्ता में आती रही है और इस बार भी कहीं ना कहीं वो अपने पक्ष में मतदान करने में सफल होगी। आप किस तरह से वो लोगों के जो है वहाँ से वोट लाके, ग्रामीण क्षेत्र से वोट किस तरह से लाओगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मेरा एक ही मकसद है, मैं आज तक हमेशा जनता के बीच में 24 घंटे, यहाँ फलोदी उठाओ चाहे कहीं से उठा लो, मैं जहाँ 24 घंटे लोगों की हाजिरी मिलता हूँ, कभी भी काम फोन आता है तो मैं यहाँ मिलता हूँ 24 घंटे में। ऐसा नहीं कि भूपत यहाँ नहीं मिला। अब पवार राम जी को कोई कॉल करे तो पवार राम जी यहाँ कहाँ मिलेंगे, वो तो अपने गांव मिलेंगे, लेकिन यहाँ का लोकल है। कोई भी जैसे सोनी जी का कॉल आता है या रावल जी का कॉल आता है तो क्या भूपत सिंह कहाँ हो, तो मैं तो जयपुर हूँ, तो यहाँ कौन संभालेगा काम? स्थानीय होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ फलोदी का विकास करूँ, अच्छा काम करूँ, और लोगों से मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे को मत और समर्थन दें। तीसरे विकल्प के रूप में मैं आऊँ और आप समर्थन मत दे के विजय बनाएं, ताकि आपको लगेगा कि एक राजपूत का बेटा कोई खड़ा हुआ है और वगैरह कोई काम किया। वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव जब हुए, उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कई प्रत्याशी खड़े हुए, उसी दौरान बसपा से टिकट लेकर हमारे जो ये भूपत सिंह अवाय है, उन्होंने अपना पर्चा भरा और वो उन्होंने किसी कारणवश, चाहे भले कुछ भी, वो भाजपा और कांग्रेस से एक बार लड़े लड़ते हुए तीसरे पक्ष के रूप में हार हुई। लेकिन अब वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर भूपत सिंह अवाय अपना दावा ठोकेंगे और इस बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।